कराटे मार्शल आर्ट सिखाने में एलेट स्पोर्ट्स एकेडमी नंबर वन है। इतनी सरलता से एकेडमी बच्चों को कराटे में ट्रेनिंग देती है कि बच्चा बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाता है। एलेट वालों ने अपना ट्रेनिंग कैंप सत्यसाई एकेडमी में लगाया। यहाँ एलेट स्पोर्ट्स एकेडमी ने बच्चों को कराटे मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण बड़े उत्साह के साथ दिया। न्यू ब्रज विहार कॉलोनी की सत्य साई अकेडमी में बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। यहां बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के उद्देश्य से कराटे ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। एलेट स्पोर्ट्स अकेडमी ने यहां कराटे सिखाए। अकेडमी के अमय लश्करी ने अब तक सैकड़ों बच्चों को प्रशिक्षित करके कराटे में परफेक्ट बना दिया है। तभी उनकी एलेट अकेडमी कराटे सिखाने में नंबर वन बन गई है। इसके खिलाड़ियों ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी कला का जोहर दिखाया है और कई ट्रॉफी अपने नाम की हैं। एक्सटेंशन बाइट बाइट श्री साइज एकेडमी द्वारा एलेट स्पोर्ट्स एकेडमी को एक छोटा सा कैंप लगाने का आवेदन दिया गया था कि हम यहाँ पर आके कराते मार्शल आर्ट्स कुशिकी फेंसिंग ये सारे गेमों का एक बार गाइडेंस दे और बच्चों को इसके प्रति जागरूक करें कि ये भी खेल होते हैं दूसरे खेलों के अलावा जिसमें आप सरकारी फ़ायदा उठा सकते हो, शिक्षा विभाग से स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो, यहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम में 10% मार्क्स भी ले सकते हो और फ्यूचर के व्यायाम के हिसाब से और भी आप अच्छा कुछ अचीव कर सकते हो। इसलिए हम यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ पर एक छोटा सा आरवी एकेडमी चालू कर दिया है जो कि बच्चों को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कराते और इन सारे खेलों के प्रति जागरूक करेगा और रेगुलर यहाँ पर क्लासेस शुरू रहेगी। कौन सा संगठन है और कहाँ? मेरा एलेट स्पोर्ट्स एकेडमी है जो कि मध्य प्रदेश यूनिवर्सल शितोरियो कराते संघ द्वारा लिया गया है और मैं एशियन रेफरी भी हूँ कोशिकी में और मैंने पूरे भारत में तीसरे स्थान प्राप्त किया है स्काई मार्शल आर्ट्स में और राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी ले चुका हूँ फेंसिंग का और रूपाली वर्मा जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट है पिछले महीने गोवा की वो यहाँ पर क्लासेस करेगी और निराली कदम उनका साथ देगी। संगठन द्वारा जो बच्चों को अकादमी द्वारा इन्होंने गोल्ड मेडल्स सिल्वर मेडल और कांस्य पदक दिलवाए और सर से मेरी मुलाकात हुई तो राव में पूरे राव नगर में कोई भी संस्था या कोई भी स्कूल इस प्रकार का खेल के प्रति जागरूक नहीं है तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमारे आए। अगर बच्चे इंदौर में इंदौर के बच्चे अगर पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि राव नगर के बच्चे भी इस प्रकार से साक्षी रूपाली और अपनी अनिशा जैसे काम करें और गोल्ड मेडल या कांस्य पदक मेरे राव के बच्चे भी प्राप्त करें। इसके लिए मैंने सर से निवेदन किया और सर ने मेरे यहाँ कैंप लगाने का स्वीकार किया तो मैं मेरे पेरेंट्स से भी अनुरोध करूँगी कि पेरेंट्स भी इसमें सहयोग करें और अपने बच्चों को ये सब सेल्फ डिफेंस और कराटे और मार्शल आर्ट के लिए जो हमें आज बहुत बड़ी उपलब्धि जो कहूँगी मैं कि सर हमको मिले हैं और उनका हम पूरा का पूरा सहयोग ले सकें